दोस्तों आज मैं आपको डॉक्टर जो डिस्पेंसा की किताब यू आर दी प्लेसेबो की बुक समरी बताने वाला हूँ। प्लेसेबो इफेक्ट क्या है? डॉक्टर जो डिस्पेंसा ने कई सालों की रिसर्च के बाद पता लगाया था कि हमारे दिमाग में अपनी बॉडी को पूरी तरह से ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने असली दवाई और प्लेसेबो पर कुछ टेस्ट किए थे। प्लेसेबो एक तरह से चीनी की गोली या फिर खारे पानी का सॉल्यूशन होता है और इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट भी चौंक गए थे जब उन्होंने देखा कि प्लेसेबो जिसमें बॉडी को ठीक करने की कोई काबिलियत नहीं है उससे भी कई लोगों की बीमारियां ठीक हो रही थी। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि पेशेंट को बताया गया था कि उन्हें असली दवाई दी जा रही है। इसी तरह से कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को कहा गया था कि उनकी सर्जरी होने वाली है, उनकी बॉडी को सर्जरी के लिए काटा गया लेकिन कोई सर्जरी नहीं की गई और रिसर्च से पता लगा कि घुटनों के एंजाइना और आर्थराइटिस जैसी बीमारियां ठीक हो चुकी थी। एक एक्सपेरिमेंट में पेशेंट को कहा गया कि उन्हें पार्किंसन बीमारी का इंजेक्शन एपोमोर्फिन लगाया जा रहा है, जबकि उन्हें खारे पानी का इंजेक्शन लगाया गया था और उस इंजेक्शन से बॉडी में वही बदलाव आया जो असली इंजेक्शन से आना था। वेलियम मेडिसिन जिसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए दिया जाता है, उस दवाई का कोई फर्क नहीं दिखा जब तक पेशेंट को बताया नहीं गया कि उन्हें दवाई दी गई है। इन सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स हमारी बॉडी को ठीक करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब इस किताब की 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, क्रिएट योर ओन रियलिटी। अगर आप खुद का बेस्ट और हेल्दीएस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो आपको खुद ही इसे क्रिएट करना होगा। डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। आपकी पर्सनैलिटी उन थॉट से बनी है जैसा आप सोचते हैं, जो इमोशंस आप महसूस करते हैं और जैसे एक्शंस आप लेते हैं, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अगर आप खुद के लिए एक नई पर्सनल रियलिटी बनाना चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं उसके अनुसार आपको अपनी पर्सनैलिटी को बदलना होगा। जैसे जिंदगी आज आप जी रहे हैं वो पूरी तरह से आपके पुराने थॉट्स और चॉइसेस पर बेस्ड है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको नए थॉट्स और चॉइसेस का निर्माण करना होगा। शुरुआत में आपको ये बहुत अजीब लग सकता है क्योंकि हमेशा से आपको अलग तरह से सोचने की आदत लग चुकी है, लेकिन जब आप लगातार नए तरीके से सोचना शुरू कर देंगे इस तरह से आप खुद का एक नया वर्जन बन सकते हैं जो परफेक्ट हेल्थ और बॉडी में होगा और जिसके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होगी। डॉक्टर जो डिस्पेंसा इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग द रिवर ऑफ चेंज कहते हैं, क्योंकि ये आप हो जो नदी के इस तरफ खड़े हो और अगर आपको नदी के दूसरी तरफ जाना है तो आपको नदी पार करनी होगी। आपको खुद में बदलाव लाना होगा, आपको अपने पुराने वर्जन को मारकर एक नया जन्म लेना होगा। नंबर 2, थॉट्स चेंज द बॉडी। डॉक्टर जो डिस्पेंसा एपिजेनेटिक्स की साइंस के बारे में समझाते हैं। हमारी बॉडी का डीएनए हमारे थॉट्स और हमारी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन हम अपने डीएनए को कभी भी बदल सकते हैं। हमारी बॉडी के जीन्स हमारे थॉट्स के हिसाब से काम करते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी में नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन यानी बीमारियां पैदा करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स हमारी बॉडी में पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन यानी बीमारियों को ठीक करते हैं। कुछ लोग इसीलिए हमेशा बीमार रहते हैं क्योंकि ऐसे लोग बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान होकर हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, अपनी बॉडी के जीन्स को बीमार होने का सिग्नल देते हैं और हर दिन उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके दिमाग में कौन से थॉट्स और आपका कौन सा बिहेवियर आपकी बॉडी के जीन्स को ये सिग्नल देता है कि आप बहुत परेशान हैं। ऐसा करने के लिए आप अपनी जिंदगी में इस तरह के बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर क्या आपके थॉट्स असुरक्षित, चिंतित, परेशान, गुस्सा या उदास हैं। इस तरह के स्ट्रेस हॉर्मोन्स आपकी बॉडी को कभी ठीक नहीं होने देते और हेल्दी भी नहीं रहने देते। अपनी जिंदगी और अपनी बॉडी को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आप खुद को हेल्दी मानते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को अच्छा मानते हैं? क्या आप अपनी बॉडी को अच्छा मानते हैं? आप जिस तरह का खाना खाते हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और लोगों की चुगली करते हैं? क्या आप दूसरों को अच्छा नहीं मानते हैं? इस पूरी दुनिया को अच्छा नहीं मानते हैं? अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए आपको अपनी बॉडी के जीन्स को बदलना होगा, जिसके लिए आपको जीन्स को देने वाले उस सिग्नल को बदलना होगा। अपने दिमाग में सोचो कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और उस इंसान में किस तरह की हैबिट्स और थॉट्स होने चाहिए। अगर वो इंसान हेल्दी, खुश और सक्सेसफुल है तो वो किस तरह का इंसान हो सकता है। जितना ज्यादा आप इस तरह की सोच को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी उसी तरह से बनने लग जाएगी।
नंबर 3, मेंटल रिहर्सल। अपनी बॉडी के जीन्स को पूरी तरह से बदलने के लिए और खुद का एक बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको मेंटल रिहर्सल प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए टॉप एथलीट्स भी इसे प्रैक्टिस करते हैं। जब आप अपने दिमाग में मेंटल रिहर्सल यानी दिमागी पूर्वाभास प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने दिमाग में खुद के उस वर्जन को देखते हैं जैसा काम आप करना चाहते हैं, जैसे इमोशंस आप महसूस करना चाहते हैं और जैसा आप दिखना चाहते हैं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग के पुराने न्यूरल नेटवर्क्स को बदलकर नए न्यूरल नेटवर्क्स का निर्माण करते हैं जो आपकी सोच से बिल्कुल मिलता जुलता है। जब आप आंखें बंद करके अपने नए वर्जन को इमेजिन करते हैं और उसे असलियत में होता हुआ महसूस करते हैं, तब आपके दिमाग को ये समझ नहीं आता कि आप केवल सोच रहे हैं या फिर आप रियल में वैसे हैं। और इस तरह के मेडिटेशन के बाद आप खुद को और अपने दिमाग को पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस करेंगे। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिसाइड करना कि आप क्या बनना चाहते हैं। और इसी मेडिटेशन को आपको हर दिन सुबह उठने के बाद प्रैक्टिस करना है जब तक आप खुद को बदलता हुआ महसूस ना करें। ऐसा करने से आप अपने दिमाग के सर्किट को बदलकर अपनी प्रेजेंट रियलिटी को बदल सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं, विजुलाइजिंग विद इमोशन प्लस इंटेंसिटी प्लस फ्रीक्वेंसी चेंजेस योर ब्रेन एंड बिगिंस टू ब्रिंग योर फ्यूचर रियलिटी इनटू योर प्रेजेंट रियलिटी। इसका मतलब जब आप इमोशंस और फीलिंग्स के साथ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, तब आप अपनी फ्यूचर रियलिटी यानी जैसा आप बनना चाहते हैं वो प्रेजेंट रियलिटी में बदलती है, यानी उसी तरह के इंसान आप बनते हैं। नंबर 4, जनरेट इमोशंस। मेडिटेशन प्रैक्टिस करते वक्त आपको सोचने के साथ साथ इमोशंस के साथ फील भी करना होगा। हमारी बॉडी की सबसे पावरफुल इमोशन है ग्रेटिट्यूड। जब आप अपनी फ्यूचर में होने वाली चीजों के लिए और अपने प्रेजेंट की चीजों के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं, तो ये आपके दिमाग और आपकी बॉडी में एक शक्तिशाली बदलाव लाता है। और ये केवल सोचने से नहीं होता बल्कि उस इमोशन से होता है जो आप सोचते वक्त महसूस करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो केवल पॉजिटिव सोचते हैं, इसके साथ ही वो चिंतित, शर्मसार, परेशान और उदास होते हैं। इसी वजह से उनको अपने दिमाग और बॉडी में कोई बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि उनके थॉट्स और इमोशंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जब आपके थॉट्स और इमोशंस बिल्कुल एक होते हैं, तो इस प्रक्रिया को कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस इज व्हेन थॉट्स एंड इमोशंस अलाइन। और जब ऐसा होता है तब आपकी बॉडी में कमाल के बदलाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने दिमाग में किसी इच्छा को लेकर शुक्रिया कहते हैं और शुक्रियादा महसूस भी करते हैं, तब आपकी बॉडी हाई वाइब्रेशन, पीक हीलिंग और परफॉर्मिंग स्टेट में होती है। और जितना ज्यादा आप कोहेरेंस प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी ठीक होती है, रिपेयर होती है और आपकी बॉडी में अच्छे बदलाव आते हैं। नंबर 5, मेडिटेशन। अब तक हमें समझ में आ गया कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमें अपने थॉट्स और इमोशंस को बदलना होगा, जो हमारे बिलीफ यानी सोचने के तरीके में बदलाव लाते हैं। इससे हमारी रूटीन यानी हैबिट्स बदलती हैं और हमारी जिंदगी बेहतर होती है। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाना होगा। और अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाने के लिए हमें लो ब्रेन वेव स्टेट में जाना होगा, यानी अपने दिमाग की तरंगों को धीमा करना होगा। क्योंकि जब हम हाई ब्रेन वेव स्टेट में होते हैं, तब हमारे एनालिटिकल माइंड में लगातार ढेर सारे थॉट्स, वरीज और प्लानिंग के विचार आते रहते हैं। और जब आप अपने दिमाग को धीरे काम करने पर मजबूर करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। और ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक खास कनेक्शन बनाते हैं। 3 तरह की ब्रेन स्टेट्स होती हैं। बीटा स्टेट, दिन भर में हमारा दिमाग इसी स्टेट में काम करता है। इसमें हमारा दिमाग बहुत ही तेजी से काम करता है। इसे वर्किंग माइंड और थिंकिंग माइंड भी कहते हैं, जो एनालिटिकल, असेसिंग, कैटेगराइजिंग और प्लानिंग करता है। अल्फा स्टेट, इस स्टेट में हमारे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीरे हो जाती है। इस स्टेट में हम ज्यादा काम, पीसफुल यानी शांत और ग्राउंडेड महसूस करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम नहाते हैं, प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। थीटा स्टेट, ये वो स्टेट है जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और ये वो पॉइंट है जब आपका थिंकिंग माइंड मेडिटेटिव माइंड में बदलता है। इस स्टेट में आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इस स्टेट में हमारे दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत होती है। और ऐसा तब होता है जब हम विजुलाइज करते हैं। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जब आप नए थॉट्स और बिलीव्स का निर्माण करते हैं। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं और अपने ईमेल, सोशल मीडिया, टेक्स्ट को चेक करते हैं, तब आप लगातार बीटा स्टेट में होते हैं। और इस स्टेट में रहकर आप कभी अपने दिमाग के थॉट्स और बिलीव्स को नहीं बदल सकते। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ी देर शांत बैठकर हर दिन सुबह उठने के बाद या फिर रात में सोने से पहले मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। और जो कुछ भी आप इस वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं, वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बहुत जल्दी पहुँच
सोचता है। हर दिन सोचो कि आप क्या हो, आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, आपकी हैबिट्स किस तरह की हैं और आप किस तरह से सोचना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हर दिन लगातार ऐसा करने से आप अपनी बॉडी और दिमाग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके साथ ही आपको हर दिन ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा महसूस करना है, जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हर दिन अपनी बॉडी को ठीक होता हुआ विजुअलाइज करें और उसे अच्छे से महसूस करने की कोशिश करें। इस तरह से आप अपनी बॉडी में खुद का प्लेसेबो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।